जय भैरव, गुड मॉर्निंग गाइस, हैव ए गुड डे। तो गाइस, आज फ्राइडे है और मैंने सोचा था थर्सडे का ब्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी। और थर्सडे को सरस्वती पूजा था और सरस्वती पूजा के दिन मैं सुबह से रात तक क्या क्या करती हूँ वही आपके साथ शेयर करना था। पर क्या है कि गाइस, मेरे घर में भी पूजा हुई थी, पर 11 बजे तक मैंने वीडियो शूट किया भी था आपके साथ, लास्ट में मैं शेयर करूँगी। पर क्या है कि 11 बजे के बाद सुभाष का तबीयत इतना खराब हो गया है ना कि आपके साथ मैं कुछ भी शेयर कर नहीं पाई हूँ। और इसके बाद 4 बज गया था इवनिंग का, और फिर सुभाष का तबीयत थोड़ा सा ठीक हुआ, पर इसके बाद मेरा और मन नहीं था। और कुछ रील्स मैंने बनाया जो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। तो चलिए, अभी मैं क्या क्या करती हूँ सुबह से दोपहर तक वही आपके साथ शेयर करना है। तो मैं अभी झाड़ू पोछा कर रही हूँ, और हमारे घर में ना सुबह सुबह ही झाड़ू पोछा किया जाता है क्योंकि भैरव बाबा है हमारे घर में। और जब तक ना मैं पोछा लगाती हूँ, सुभाष पूजा घर में नहीं जाते हैं, तो इसलिए सबसे पहले मैं झाड़ू कर लेती हूँ, इसके बाद पोछा, और फिर कुकिंग जो कुछ भी होगा इसके बाद होगा। तो चलिए, मैं क्या क्या करती हूँ वही आपके साथ शेयर करना है। और अभी विंटर का सीज़न है, तो क्या है कि गाइस, उठने में भी देर हो जाती है, 6:30-7 बज जाता है। और इसके बाद झाड़ू पोछा करके फिर मैं कपड़ा वपड़ा ये सब धो लेती हूँ, क्योंकि विंटर का सीज़न में वैसे भी कपड़ा सूखने में देर लगती है। तो इसलिए देखिए, झाड़ू पोछा करके फिर मैंने कपड़ा वपड़ा ये सब चेंज कर लिया, और फिर मैं कपड़ा ये सब धो के धूप में दे रही हूँ। और सुबह सुबह आप ऐसे करोगे तो क्या होगा कि जो कपड़ा है ना वो सूख जाता है। अगर आप सुबह सुबह स्वेटर या कोई भारी चीज़ आप धोते हो ना, तो दोपहर आते आते सूख जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह ही ये काम निपटा लूँ। और बाबू का एक हफ्ते से स्कूल भी बंद है और सुना का कॉलेज, तो इसलिए मैं सुबह सुबह काम निपटा लेती हूँ धोने का। तो चलिए, अभी किचन में चलते हैं, और हम लेडीज़ को किचन में ढेर सारे काम होता है। तो चलिए, पहले अंडा को उबाल लेते हैं, और इसके बाद मैं क्या करती हूँ यानी कि सुबह सुबह मैं क्या पीती हूँ आपके साथ आज शेयर करना है। तो मैं पीती हूँ दालचीनी की पानी। ये क्या लाभ है पीने से मैं बाद में बताऊंगी, पहले तो इसे अच्छे से उबाल लेती हूँ। और अंडा मैंने उबलने के लिए दिया है क्योंकि अंडा थोड़ा सा ठंडा हो जाए, इसके बाद मैं इसे छीलूंगी। गाइस, चलिए अभी दालचीनी के पानी पी रही हूँ, और इसे फिर रिड्यूस होता है, और जिनको डाइजेशन में प्रॉब्लम है उनको हेल्प मिलेगी पीने से। चलिए अभी पी लेते हैं, और आजकल सुना भी पी रही है, तो पहले तो पी लेती हूँ, बात करती हूँ खाने में। तो चलिए अभी कुकिंग कर लेते हैं, आज क्या कुकिंग करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, अंडा का छिलका निकाल लिया है, और यहाँ पर दो तरह का फिश है, खारिज फिश और कतला फिश। और खारिज फिश जो है ना वो मुझे बहुत ही पसंद है, और ये बैगन के साथ हो तो और भी टेस्टी लगता है। तो चलिए पहले अंडा करी बना लेते हैं, और अंडा करी के बिना मेरा बेटा अधूरा है, क्योंकि जिस दिन हमारे घर में नॉनवेज होता है ना, अंडा करी होता ही है। जो मेरे पुराने व्यूअर्स है वो जानते हैं कि मेरा बेटा अंडा के बिना खा नहीं पाता है। और देखिए, बैगन के साथ मैं खारिज फिश बनाऊंगी, और इसके साथ अनियन और दो गार्लिक के टुकड़े ऐड करूंगी, तो ये खाने में और भी टेस्टी लगता है। और इसमें लास्ट में मैं धनिये की पत्ते ऐड करूंगी। और गाइस, ये जो खारिज फिश है ना मुझे बहुत ही पसंद है। वैसे भी खारिज फिश में काटा होता है ढेर सारे, पर ये हेल्दी भी है। इस फिश में ढेर सारे कांटे भी है, गुण भी है, और जिस फिश का कांटे नहीं है ना, इस फिश का गुण भी कम होता है। जैसे कि बॉयल फिश, ये वैसे तो टेस्टी होता है पर इतना गुण भी नहीं होता है। पर जिस फिश में ज़्यादा कांटा होता है, इसमें ढेर सारे गुण भी होता है। तो चलिए, अभी जो बड़ा वाला फिश है यानी कि कतला फिश है, इसे बना लेते हैं। और ये मैं बनाऊंगी पतला झोल। और आजकल ना गाइस, कुकिंग करते समय क्या होता है, स्वेटर मेरा भीग जाता है,
क्योंकि स्वेटर तो पहनना ही पड़ता है और मैं काम करती हूँ तो मेरा स्वेटर में पानी लग जाता है। और देखिए कुकिंग मेरा हो गया है तो अभी चूल्हा वूल्हा ये सब पूछा लगा लेंगे। और वैसे तो हमारा दो दो चूल्हा है, तीन तीन चूल्हा है, दो दो नहीं, क्योंकि भैरव बाबा का चूल्हा अलग है और हमारा भेज वाला चूल्हा अलग है। आप लोगों ने देखा ही ना मेरा लेफ्ट हैंड में जो चूल्हा आप देख पा रहे हो, तो ये हम लोग गर्म पानी या चाय वाय ये सब करते हैं। और इस चूल्हे में हम फिश करते हैं। और फिश वाला जो चूल्हा है ना, इसमें कुछ भी वैसे नहीं करते हैं, सिर्फ जो मैं कुकिंग वीडियो छोड़ती हूँ वही। तो इसे मैं पूछा लगा रही हूँ। तो गाइस मैं खाना खाने बैठी हूँ और मेरे साथ सभी है, छोटा है, बाबू है, उसके पापा है और तीनों चुप्पी से खा रहे क्योंकि कैमरे के सामने खाना नहीं चाहते और इनका जल्दी जल्दी में खाना पड़ेगा क्योंकि सुबह का ऑफिस है। और ना तो वैसे भी नेक्स्ट हफ्ते को उसका एग्जाम है, नहीं टू वीक के बाद उसका एग्जाम है। तो गाइस आप लोग सोचोगे कि जो ही कुकिंग करके ही खाना खाने बैठ जाता है जाती है तो क्यों मैं बैठ जाती हूँ। और वैसे तो अकेले खाना मुझे पसंद नहीं है और बाबू सोना उसके पापा खा रहे, तो मैंने सोचा मैं भी खा लूँ, अकेले खाना पसंद है। और अभी तो 11 बज रहा है और वैसे भी मैं 11 बजे खा लेती हूँ, तो मैंने सोचा आध घंटे के बाद खाऊंगी तो अभी खा लेती हूँ उनके साथ। तो चलिए, और आप लोगों ने देखा मैंने क्या क्या कुकिंग किया है। तो देखिए एक कड़ी लिया है और ये फिश फ्राई है और साथ में देखिए ये जो मैंने बनाया है ना बैगन के साथ, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये क्या फिश है, तो ये खारिश फिश है और ये बैगन के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस। और मुझे तो ये वाला फिश बहुत ही पसंद है, वैसे तो काटा बहुत ज़्यादा है और हम बंगाली लोग वैसे भी फिश पसंद करते हैं और कल भेज था तो इसलिए ज़्यादा ज़्यादा फिश आज खाएंगे। और रात के लिए मैंने पतला सा एक धनिये के पत्ते के साथ झोल बनाया फिश करी का, तो रात में ये खाएंगे। अभी तो बैगन के साथ जो हमने फिश किया है, तो वैसे आप लोग सोचोगे कि यहाँ पर तीन फिश है तो बाबू तो फिश नहीं खाता है तो इसलिए वो एक खा रहा है और हम तीनों ये फिश खाएंगे और फ्राई भी। और वैसे तो बाबू को आजकल हम लोग जो जबरदस्ती फिश का फ्राई जो है ना वो खिलाते हैं, डॉक्टर ने कहा है कि फिश के लिए ज़रूरत है इसलिए। तो चलिए अभी खाना शुरू करते हैं। और फिश फ्राई गाइस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है खाना को भी ना जोर से तो ना। और बाबू उनको मछली नहीं खाइए, क्या कह रहा है, मछली नहीं खाती, खाता हूँ मछली मत खाइए। बाबू कह रहा है मछली मत खाइए, तुम खाते नहीं तो क्या कोई नहीं खाएगा, जो जो पसंद नहीं करता पीते हम लोग क्योंकि हमको मछली पसंद है। तो गाइस सभी का खाना हो गया है, मेरा भी अभी बर्तन बर्तन कर लेंगे और इसके बाद आपसे मिलते हैं। और वैसे भी मेरा काम वाली भाई नहीं है तो मुझे ही बर्तन करना पड़ेगा, तो चलिए बर्तन कर लेते हैं इसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइस देखिए खाना खाने के बाद बाबू क्या कर रहा है, और जिस दिन उसका ट्यूशन होता है ना और मैथ्स और साइंस का, तो उसका टेंशन बढ़ जाता है तो पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है और होमवर्क भी कर रहा है, तो मैं भी साथ दे देती हूँ और इसके बाद आपसे बात। पहले तो मैं ज़्यादा टाइम देती थी बाबू को पर अभी हो नहीं पाता है क्योंकि यूट्यूब में भी मुझे टाइम देना पड़ता है तो इसलिए। तो गाइस जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो लोग तो जानते होंगे कि मैं नहाने से पहले फिर से पूछा लगा लेती हूँ इसके बाद नहाने जाती हूँ। और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाइस नहाने से पहले मैं अपने स्किन में क्या अप्लाई करती हूँ। और वैसे भी मैं फेस वॉश ये सब बाजार का फेस वॉश यूज़ नहीं करती हूँ, मैं होम रेमेडी ही अप्लाई करती हूँ। तो चलिए होम रेमेडी में क्या क्या ऐड करती हूँ चलिए देख लेते हैं। चलिए तो देखिए मैं क्या ले रही हूँ, तो ये ऑरेंज का छिलका है जो मैंने सुखा कर फिर ग्राइंड कर लिया है, तो ये ले रही हूँ हाफ टी स्पून। और इसके साथ मैं लूँगी चावल के आटे 1 टीस्पून और हनी भी ऐड करूँगी और इसके साथ मिल्क भी ऐड करूँगी, तो ये काओ मिल्क है जो मैं ऐड कर रही हूँ और अभी इसे अप्लाई करूँगी। और नहाने से पहले मैं कबूतरों को खाना देती हूँ और देखिए कितने चाव से खा रहे क्योंकि ये मसूर दाल है और इनको बहुत ही पसंद है। अभी इसे अप्लाई कर लेते हैं और इसके बाद धुपनी बन जाते हैं, तो चलिए फिर आप लोग मुझे धुपनी जैसा देख पाओगे। और इसके बाद मैं नहाने जाऊंगी 10 मिनट से रखकर, फिर
बोलूँगी, और वैसे भी मैं जो कम ही देती हूँ मार्केट का जो फेस वॉश मिलता है ना, मैं कम लग रही हूँ ज़्यादातर लाइक करती हूँ, इसलिए मेरा मुँह में पिंपल कम आता है। कम क्या आता ही नहीं है, देखिए एक मच्छर है मुझे छोड़ नहीं रहा है, ये अप्लाई कर लेती हूँ और फिर भी जैसा देखिए आँखों को छोड़ के फिर अप्लाई करना, अभी देखिए मेरा पिन भी तो आँखों को छोड़ के फिर अप्लाई करना। तो अभी 10 मिनट तक रखेंगे और फिर नहाने जाएंगे, तो इसके बाद आपसे मिलते हैं। और फिर से पूछा लगाना मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग ऐसा कि बार बार वैसे पूछा लगाना दिखाती हूँ, पर मेरा यही रूटीन है तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। तो चलिए नहाने के बाद आपसे मिलते हैं। देखिए नहाने के बाद मेरा स्किन देखिए, मेरा चेहरा देखिए कितना चमक रहा है ना, तो आप ये होम रेमेडी जरूर ट्राई करना। तो चलिए अभी भैरव बाबा का बर्तन ये सब कर लेते हैं, क्योंकि मैं नहाने के बाद ही जो भगवान को भोग चढ़ाया जाता है उसका जो बर्तन होता है वो करती हूँ। तो चलिए कर लेते हैं, इसके बाद आपसे बातें करते हैं। तो आप गाइस रेमेडी जरूर ट्राई करना, देखिए चमक रहा है ना। चलिए बर्तन मैंने धो लिया है और अभी मैं बालों को सुखाऊंगी, ऐसे ही करती हूँ। पहले तो बर्तन ये सब कर लेती हूँ और फिर बालों को सुखा लेती हूँ। और आपको दिखा रही हूँ ये जो टी शर्ट है ना, बाबू जब छोटा था उसका था, और मुझे तो ये बहुत ही पसंद है, क्योंकि आप इसे बाल सुखाओगे तो जल्दी से सूख जाता है। और मुझे वैसे भी टॉवल ये सब पसंद नहीं है। और देखिए अभी बिंदी लगाऊंगी और इसके बाद छत पर जाऊंगी, और छत पर जाकर मैं क्या क्या करती हूँ चलिए देख लेते हैं। जिस दिन बाबू का स्कूल नहीं होता है ना, इसके साथ मैं ऑरेंज का लुफ्त उठाती हूँ और फिर जो कपड़ा वपड़ा सूख गया वो ले आती हूँ और इसे तय कर लेती हूँ। और अभी दोपहर का 2 बजा है और मेरे बच्चे दोपहर को राइस नहीं खाता है, 11 बजे ही खा लेता है, या स्कूल रहता तो 8 बजे खाता है बाबू। और दोपहर को आकर हॉलीस रोटी चाउमीन ये सब खाता है, और ये 12 साल से चल रहा है, क्योंकि मैंने जब से छोड़ा है राइस इसके बाद ही ये लोग ने छोड़ दिया है राइस खाना दोपहर को। तो देखिए अभी बाबू सो रहा है, उसने कहा बाद में खाऊंगी मम्मी, तो मैं अभी जो दरवाजे है वो बंद कर दूंगी, क्योंकि वैसे भी विंटर का सीज़न में मच्छर घर में घुस जाता है। अब बाबू जाएगी ट्यूशन में, और इससे पहले उसने खीर और मालपुए खाए, और खीर और मालपुए मैंने सरस्वती पूजा के दिन बनाया था, भैरव बाबा को मैंने भोग में चढ़ाया था। तो देखिए ये गुड़ के साथ मैंने खीर बनाया, जो आपके लिए मैंने वीडियो शूट किया था। और देखिए मैंने मालपुए भी बनाया, तो 11 बजे तक जितना हो सके मैंने वीडियो शूट किया था, इतना ही आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए हमारे सरस्वती माता के दर्शन कर लीजिए, और इसके बाद आपसे मैं कह रही हूँ कि मैं क्या क्या कुकिंग कर रही हूँ सरस्वती पूजा के दिन, और सोना क्या पहना है देखिए सरस्वती पूजा के दिन कौन सा साड़ी पहना है। तो कैसा लग रही है ये आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और मैंने भी सोचा था कि मैं घूमने के लिए जाऊंगी, इसलिए 11 बजे तक जो जो काम था मैंने निपटा लिया था। और देखिए खिचड़ी के साथ क्या क्या था, बहुत ही यम्मी खिचड़ी बना था। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर बताना, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर देना, और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।